अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खिचड़ी खट्टा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये कटी हुई प्याज लिए हैं, ये गरम मसाला है, ये मसूर दाल है, ये पुदीना, करिया पाक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये इमली है, इसको मैंने भिगा कर रख दिया है। अब हम ऑयल ऐड कर देंगे इसमें, ये दो तेज पत्ते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये गरम मसाला है इसमें डाल देंगे हम, डालकर थोड़ा सा मिला लेंगे। ये कटी हुई प्याज है वो भी हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 स्पून अदरक लहसुन डालेंगे हम इसमें, अदरक लहसुन को भून लेंगे। ये करी पत्ता है इसमें डाल देंगे हम, ये ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। ये हरा धनिया पुदीना है इसमें डाल देंगे हम। ये 4-5 हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे हम इसमें। ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे, 1 स्पून नमक भी ऐड कर देंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये 1 kg राइस लिया है मैंने, इसमें हम मसूर की दाल ऐड कर लेंगे, ऐड करके अच्छे से वॉश करके भीगने रख देंगे हम। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, चावल इसमें डालते जाएंगे हम, मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। ये देखिए पानी अच्छे से सूख गया है इसमें, हम इसको फिर से ज़रा मिला लेंगे। अब हम इसको दम होने के लिए रख देंगे, हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। डालकर इसका पाउडर बना लेंगे हम। ये देखिए पाउडर बना लिया है मैंने, अब हम इसमें कोथमीर पुदीना डाल देंगे और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन गया है अच्छे से, अब हम इसको डाल देंगे, ये इमली का पानी है इसमें डाल देंगे हम, इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा कोथमीर पुदीना भी ऐड कर देंगे हम इसमें। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। ये कटी हुई प्याज है, थोड़ी सी इसमें ऊपर से डाल देंगे। अब हम खट्टे को तड़का लगा देंगे। ऑयल डाल रही हूँ। ये करी पत्ता है, ये थोड़े से 4-5 सूखी लाल मिर्च है वो भी हम इसमें डाल देंगे, डालकर थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। ये थोड़ा राई और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा सा पका लेंगे हम इसको इसका कलर चेंज होने तक। अब हम इसमें खट्टे में डाल देंगे इसको। ये देखिए खट्टा भी हमारा रेडी हो गया। देखिए हमारी खिचड़ी और खट्टा बनकर रेडी हो गया है पापड़ के साथ, तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।